सो हेलो एवरीवन तो ये हम लोग का आज प्रैक्टिस सेट नंबर फोर्थ रहने वाला है जो हम लोग कर रहे हैं अपने कोर्स का डी बी एग्जाम के लिए ए फोस वाई ग्रुप नेवी और बीएसएफ या फिर कोई भी आप इस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग अब ये बोलेंगे सर रेगुलर रखिए लेक्चर्स को ब्रेक हो गया तो बिल्कुल मुझे पता है ब्रेक हो गया था बिकॉज़ थोड़ा कोई पता भी ए एफ का नोटिस आ गया था तो उसी में थोड़ा सा और वैसे भी क्लासेस रहती हैं तो इसी वजह से मैं लेक्चर्स नहीं डाल पाया था उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ बट जो भी बैकअप हुआ है वो मैं आपका कवर कर दूँगा ऑल्टरनेट था तो मैं बैक टू बैक आपकी तीन चार वीडियोज़ डाल दूँगा ठीक है बाकी ये तो आपको पता ही है सौ सुनार की और एक लोहार की ठीक है तो आगे बात करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी कोस्ट गार्ड डी और जी की टेस्ट सीरीज़ यानी कि पी आ चुकी है परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे और वहाँ पे आई थिंक आपको ऐप को अपडेट करना होगा अपना जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट करना होगा वहाँ पे आपके पास टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का भी ऑप्शन आ जाएगा जो आप लोगों का प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप रहेगा और बाकी जो एयरफोर्स वाई ग्रुप के एस्पेरेंट्स से बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर बैच कब आएगा बैच कब आएगा तो उसके रिगार्डिंग मैं पहले ही बत, बता चुका हूँ कि इसके रिगार्डिंग प्लानिंग चल रही है जल्द ही आपको उसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है बिकॉज हम इस काफ़ी बड़े लेवल पर प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई कैसे पी को कैसे कोर्सेज़ को और कैसे सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया जाए ताकि अल्टीमेट सिलेक्शन होना चाहिए बस इस बार ठीक है और सिलेक्शन नहीं रैंक निकलनी चाहिए ठीक है खैर वो जब आपका अनाउंसमेंट होगा विद इन अ वीक आपको ये पता चल जाएगा तो अभी आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आगे नहीं बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं ठीक है तो शुरू करते हुए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और कोशिश करें 20 क्वेश्चन रहेंगे पहले खुद से अटैम्प्ट करें जितना भी स्कोर आता है आप कॉमेंट में लिखें उसको निन्न में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊँची पर्वत चोटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालयस इन द इंडिया कंचनजय का नामचापरवा नंदा देवी फिर माउंट एवरेस्ट अगर ये इन इंडिया ना लगाता ना आंसर तुरंत माउंट एवरेस्ट होता बिकॉज माउंट एवरेस्ट की तकरीबन जो हाइट है 8.8 किलोमीटर है ये मैं किलोमीटर में लेकर किलो रहा हूँ ध्यान रखना ये अगर मीटर में पूछेगा तो आपकी 8811 ऐसे करके या फिर 858 आपकी मीटर्स में हो जाएगी मैं किलोमीटर्स में लग रहा हूँ ठीक है एट पॉइंट लेकिन ये इंडिया में पूछ रहा है ठीक है वैसे तो आपसे ये पूछेगा कि कितने किलोमीटर है फिर कितने मीटर बहुत कम चांस है लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया बट इंडिया में पूछ रहा है इंडिया में ध्यान रखना ये कंचनजंगा है ऑप्शन नंबर ए मैं पूरे डाउट्स आपके क्लियर करता हूँ हिमालय जो है ना ये हमारा इंडिया है हिमालय यहाँ पे मौजूद है है मौजूद अब हिमालय सिर्फ इंडिया में तो है नहीं यहाँ पे इंडिया में अगर हम बात करें उसके बाद नेपाल में चाइना में थोड़ा सा पार्ट उसके बाद म्यांमार तक जाते हैं ये तो ये पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ भी हैं थोड़े थोड़े पार्ट लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें काफ़ी सारे आपके देशों में हैं तो ये इसका जो हाइस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में पड़ता है इसका जो सेकंड हाइएस्ट पीक है केटू केटू जो कि काराकोरम दर्रा के पास में है वो जो पीओके वाला एरिया है ना ये जो यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है यानी कि पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर है वहाँ पे पड़ता है तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड रहता है और हिमालय का हिस्सा है भी नहीं ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है तो आंसर इसके वजह से होगा कंचनजंगा अब कंचनजंगा ये है कहाँ पे इसी के नाम पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी नेशनल पार्क भी है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि पड़ता है आपका सिक्किम राज्य में कहाँ पर सिक्किम स्टेट में आपका पड़ता है कंचनजंगा और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ विश्व की सबसे ऊंची तीसरी चोटी है थर्ड हाईएस्ट है इंडिया के हाईएस्ट है और वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट है वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट है सेकंड नंबर पे के आएगी थर्ड नंबर पे आपकी आएगी कंचनजंगा ठीक नामचा बरवा क्या है नामचा बरवा वो जगह है जहाँ से ब्रह्मपुत्र यू टर्न मारती है जैसे ये हमारा इंडिया है ना तो जब ब्रह्मपुत्र आती है तो नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है यहाँ से एकदम यू टर्न मार के इंडिया में घुस जाती है पहली चीज़ दूसरी चीज़ हिमालय की सबसे ईस्टर्न मोस्ट यानी उत्तर द ये उत्तर है दक्षिण ये पूर्व और ये पश्चिम तो सबसे पूर्वी चोटी है आपकी नामचा बरवा और नंगा पर्वत इसकी सबसे पश्चिमी चोटी सबसे वेस्टर्न मोस्ट पीक है जितनी एक्स्ट्रा इन्फो दे रहा हूँ बस नोट करते रहना तभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई सौ सोनार के एक लोहार की इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा इन्फो मैं एकदम क्वालिटी इन्फो दे रहा हूँ वो उसको भी नोट करते रहें नंदा देवी की अगर बात कर लें तो नंदा देवी भी हिमालय की ही एक चोटी हिमालय की एक पीक है लेकिन ये है इसमें कि ये उत्तराखंड में पड़ती है और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी ही है ठीक आगे बढ़ते हैं और कामेत भी यहाँ पे एक पी पड़ती है वो भी उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं तो पहला और इसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ हर क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा और जो भी आंसर देगा कॉमेंट में उसका मैं कॉमेंट यहाँ पे पेन करने वाला हूँ आपको ये बताना है जैसे कि मैंने आपसे कंचनजंगा नेशनल पार्क पूछा सिक्किम में आपको बताना काजीरंगा जो नेशनल पार्क है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे मौजूद है और ये किसके लिए फेमस है ध्यान रखना ये एक सींग वाले गेंडे वैसे जब कोई नेशनल पार्क का क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे वन हॉर्न जो राइनासॉर के लिए फेमस है ध्यान रखना ये किस स्टेट में है जिस स्टेट का नाम ए से चालू होता है ये आपको बताना है अगला सवाल है केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है विच ऑर द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड ऑन दी हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स इन केरला छऊ गरबा बिहू या फिर ओनम छऊ तो ये अगर आप देखो तो उड़ीसा साइड में मनाया जाता है उड़ीसा झारखंड साइड में गरबा आपने सुना होगा ये आपका गुजरात में मनाया जाता है बिहू की बात करें आपका असम में मनाया जाता है पिछले बार के कोस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया था बिहू और ओनम इसका सही उत्तर होगा केरल में मनाया जाता है ध्यान यहाँ पे ये रखना है ओनम तो ठीक है यहाँ पे ओनम में बोट रेस नौका दौड़ भी आयोजित की जाती है ओनम फेस्टिवल के दौरान और आपका एक फेस्टिवल होता है पोंगल ध्यान रखना इसको भी पोंगल आपका तमिलनाडु का है बिहू असम का है गरबा गुजरात छऊ उड़ीसा और पोंगल आपका तमिलनाडु अगला सवाल संविधान की आठवीं अनुसूची संविधान अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूची भाषाओं की संख्या कितनी व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द एट्थ शेड्यूल तो हमारे सबसे पहले जान लो शेड्यूल होते क्या हैं तो अनुसूचियाँ है, हमारे संविधान है ना उसमें आपके जब बना था तो तीन अनुच्छेद थे आर्टिकल थे और आठ अनुसूचियाँ थी कितने आठ शेड्यूल थे ठीक अभी अगर बात करें आर्टिकल कितने हैं वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि अभी आर्टिकल कितने हैं बिकॉज वो चेंज होते रहते हैं अभी बहुत ज़्यादा चार साढ़े चार सौ से भी ज़्यादा ठीक है लेकिन अनुसूचियाँ आपसे ज़रूर पूछेगा कि जब संविधान बना था तो आठ अनुसूचियाँ थी और अभी बारह अनुसूचियाँ कितनी ट्वेल्थ शेड्यूल्स हैं उसमें से जो आठवीं अनुसूची है ना एट्थ शेड्यूल उसमें दिया है भाषाओं के बारे में पहले तो ये पता होना चाहिए अब पूछ रहा है कितनी भाषाएँ दी हुई हैं इसको मैं रब करके ये लिखता हूँ कि एट्थ शेड्यूल में आठवीं अनुसूची में लैंग्वेजेस दी गई हुई हैं भाषाएँ दी गई हुई हैं कितनी भाषाएँ है? तो ध्यान रखना समझ लो इसको ऐसे जब बना था तो चौदह थी अभी हैं बाईस ठीक है नहीं आठ भाषाओं को ऐड किया गया तो पूछ क्या रहा है वट इज द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द इट शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन एज अपडेटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट तो अपडेटेड पूछ रहा है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बाईस होगा ऑप्शन नंबर सी अगर पूछेगा मूलतः यानी मूल रूप से जब संविधान बना था या फिर संविधान जब अपनाया गया था तब कितने तो संविधान अपनाया कब गया था ध्यान रखना संविधान को अपनाया था छब्बीस नवंबर उन्नीस को अडॉप्ट किया था ध्यान रखना इस चीज़ को इसको, इसको लिख लेना छब्बीस नवंबर उन्नीस को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को इस चीज़ को लिख लीजिएगा कहीं पे ठीक और इसमें अभी कितनी लैंग्वेज हैं बाईस अनुसूचियाँ कितनी हैं बारह हैं आगे बढ़ते हैं और आपके लिए सवाल ये है आपको ये बताना है कि पंचायत के बारे में किस अनुसूची में दिया है पंचायत के बारे में जो बैच वाले स्टूडेंट है जो यानी कि जो एस एस सी वाला जो आज़ाद बैच है तो उन स्टूडेंट के लिए तो एकदम हलवा क्वेश्चन होना चाहिए तुरंत कॉमेंट में लिख देंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौसा का युद्ध हुमायूं तथा तो शेर शाह सूरी के बीच में कब लड़ा गया था वेन वॉज द बैटल ऑफ चौसा फॉट बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह सूरी पंद्रह सौ छप्पन पंद्रह सौ उनतालीस पंद्रह सौ या फिर पंद्रह सौ तीस तो जब चौसा का युद्ध है हुमायूं शेर शाह के बीच में लड़ा गया था जीत हुई थी इसमें शेर शाह सूरी की और ये हुआ था पंद्रह में इसके जस्ट एक साल बाद 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ दोनों के बीच में यानी कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में ही एक साल बाद बैटल ऑफ कन्नौज हुआ और अगेन शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया ठीक है बाकी इंपॉर्टेंट बैटल्स आपको पता होने चाहिए जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स है जो आपको पता होना चाहिए जैसे बैटल ऑफ खानवा खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पानीपत की पहले लड़ाई 1526 में किसके बीच में हुई ये भी आपको पता होना चाहिए वैसे तो ईयर ही पूछता जातर लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए जो इम्पोर्टेंट वाले हैं और यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट वाले ही लिखे अब इसका मतलब ये नहीं सारे इंपॉर्टेंट वे हैं है, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में पानीपत की पहली ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट यही है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पंद्रह बाबर इब्राहिम लोदी इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज यहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई थी बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और मुगल वंश की स्थापना कर डाली 1526 में दूसरा लड़ा गया था पंद्रह इसका इससे कुछ रिलेशन नहीं ऐसा है। मैं समझना बाबर इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया तो दूसरा वाला हो सकता है बाबर इसमें इन्वॉल्व ना इसमें अकबर और ये हेमू की फोर्सेज हेमू की फ़ोर्सेज मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य उन उनके बीच में लड़ा गया था एक्चुअल में अकबर नहीं गया था बैरम खान ने इनको रिप्रेजेंट किया था बैरम खान इनके साइड से गया था जी सिक्स में बैरम खान ने अकबर की हुई थी अगर बात करें हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था पंद्रह में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में मैं यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट बैटल लिखता हूँ जैसे कि आपका बैटल ऑफ प्लासी ठीक है प्लासी का युद्ध ध्यान रखना सत्रह में हुआ था कमेंट में आपको यह बताना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था बैटल ऑफ बक्सर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने फिफ्थ नंबर भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है हु हैज ई पार्ट टू अपॉइंट द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट या फिर लेफ्टिनेट गवर्नर ध्यान रखना अगर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट किसी का भी अपॉइंटमेंट पूछे 95 परसेंट केसेज में वो आंसर प्रेसिडेंट ही होगा राष्ट्रपति ही होगा चाहे वो तुम्हें तुमसे प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट पूछ ले चाहे तुमसे अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट पूछ ले चाहे तुमसे राज्यपाल की नियुक्ति की पूछ ले किसी की ऐसी नियुक्ति पूछे आंसर प्रेसिडेंट ही होगा तो आपको नहीं पता होगा तो आप प्रेसिडेंट लगा के आएंगे 95 परसेंट चांसेस आपका आंसर सही होगा ठीक है राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत करता है अनुच्छेद नंबर एक ये कभी आपसे नहीं पूछेगा इस वैसे इसमें ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है अनुच्छेद नंबर आपका तिरपन एक तिर्पन बोलता है कि देर शैल बी ए गवर्नर जैसे अनुच्छेद नंबर बावन बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए ऐसे अनुच्छेद नंबर एक बोलता है कि भारत राज्यों का एक राज्यपाल होना चाहिए ये अनुच्छेद उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते वैसा मत नहीं है कि कोई भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूँगा जो नहीं है वो भी आपको साफ साफ बता दूंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है बस मैं आपको रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ ठीक है तो ध्यान यहाँ पे ये रखेंगे कि किसी का भी अपॉइंटमेंट पूछे नियुक्ति पूछे आंसर प्रेसिडेंट ही होगा जब तक कि आपको नहीं पता कि नहीं इसका प्रेसिडेंट नहीं है तो ठीक अगला क्वेश्चन है रॉफ डांस किस स्टेट से किस राज्य या फिर यूटी से संबंधित है गुजरात कर्नाटक लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर तो अगर रॉफ की बात करें तो रॉफ आपका डांस है जम्मू एंड कश्मीर का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा अब इसी तरह के आपको कुछ डांस यहाँ पे मैं लिखता हूँ ठीक कि है आप सोचिए कि किसका है भरतनाट्यम भरतनाट्यम कहाँ का है फिर आप सोचिए कि कुचिपुडी कहाँ का है ठीक है कुचिपुडी फिर आप सोचिए कथक कहाँ का है और आप ये भी सोचिए कि कथक कली का है ठीक है दोनों अलग हैं कथक और कथक कली में अंतर है ध्यान रखिएगा इस चीज़ को अगर मैं बात करूँ भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है कुचिपुडी की बात करूँ आंध्र प्रदेश का है कथक की बात करूँ यूपी का है और कत्थक कली लग गया कथक में अगर कली लग गया तो वो केरल के हो जाएगा और कथक से संबंधित आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डांसर है जिनका नाम है बिरजू महाराज ध्यान रखिएगा ठीक है बिरजू महाराज कथक डांस से संबंधित है तो ये आपको चारों याद होने चाहिए बिहू तो मैंने आपको बताया असम का असम का है वो सारी चीज़ें ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं ए टी एम का पोल रूप किया वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए टी एम ऑटोमेटिक टेल टैली मशीन ऑटोमेटिक टेलर मशीन ऑटोमेटिक टेलर मशीन या फिर फिर ऑटोमेटिक टैली मशीन तो ए टी एम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा कहीं कहीं पर इसका एनी टाइम मशीन भी दिया होता है तो देख लेना एक्चुअल में होता यही है ऑटोमेटेड टेलर मशीन अगर ये नहीं होगा तब तो आपका एनी टाइम मशीन होगा बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपको बताना चाहिए जैसे पी डी एफ का क्या होता है पी डी एफ का होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ठीक है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सिम का पता होना चाहिए क्या होता है सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर से ज्यादा है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ठीक है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल ठीक ऐसे ही आपको पता होना चाहिए सिम का हो गया पीडीएफ का हो गया जेपीईजी इसका आप बताएंगे कमेंट में जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा किसने बनाई है हु मेड द फेमस पेंटिंग मोनालिसा वन गो पिकासो मिशलांगो या फिर लियोनार्डो द विंशी सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है लियोनार्डो द विंशी तो आपने एक पिक्चर देखी होगी बहुत फेमस जिसमें एक औरत की फोटो रहती है वो एक्चुअली मोनालिसा की पेंट है और वो है लियोनार्डो द विंशी द्वारा बनाई गई है अगला क्वेश्चन है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया हु इन्वेंटेड द जेट इंजन ऑप्शन हैं आपके कार्ल बेंस सर फ्रैंक हुएटिल थॉमस सीबरी या फिर माइकल फेराडे तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट विल बी सर फ्रैंक विटल ऑप्शन नंबर बी ये जेट इंजन की बात हो रही है अगर यहाँ पे स्टीम इंजन पूछेगा थॉमस सीवरी आंसर होगा ठीक है अगर यहाँ पे स्टीम इंजन की बात करेगा जो भाप से चलता था ठीक है क्या नाम है थॉमस ये सीवरी नहीं होगा सेवरी होगा ध्यान रखना इसको ये लिख लेना सेवरी ठीक कमेंट में आपको ये बताना है जो एरोप्लेन है उसकी नहीं उसकी खोज किसने की थी विमान उनकी खोज किसने की थी अगला क्वेश्चन है टेंथ नंबर परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है ऑन वॉट प्रिंसिपल डज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क फ्यूजन फ्यूजन थर्मल कम्बशन या फिर नन ऑफ दीज तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपका फ्यूजन पे वर्क करता है फ्यूजन पे अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना हाइड्रोजन बॉम्ब या फिर जो आपका सूर्य जो सन होता है वो अपनी एनर्जी कैसे जनरेट करता है तो ध्यान रखना न्यूक्लियर पर, फ्यूजन परमाणु सनलाइन सनलाइन और फ्यूजन में अंतर क्या होता है फ्यूजन का मतलब होता है विखंडन यानी टूटना यहाँ पे एक बड़ा न्यूक्लियर फर्दर दो छोटे न्यूक्लियस में टूटता है फ्यूजन में क्या होता है दो छोटे न्यूक्लियस एक बड़े न्यूक्लियस का रूप लेते हैं ठीक तो फ्यूजन कहाँ पे होता है फ्यूजन के द्वारा जो एनर्जी जनरेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से सन और हाइड्रोजन में टाइप ऑफ एनर्जी होता है फ्यूजन में मैंने आपको बताया न्यूक्लियर पावर प्लांट में अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से आपको क्या याद आना चाहिए कि भाई कुछ हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो कहाँ पर है जैसे कि रावत भाटा ठीक है कैगा नरोरा तारापुर है आपका एक जो सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था भारत का और एक आपको पता होना चाहिए कुंडन कुलम इनको नोट कर लेंगे बिकॉज आपसे पूछ सकता है ठीक है पूछ सकता क्या उसने पिछली बार पूछा ही था तो इस बार भी पूरे के पूरे चांसेस हैं आपके ठीक है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ध्यान रखना जो रावत भाटा है वो आपका राजस्थान में है ठीक कैगा आपका के फॉर कैगा के फॉर कर्नाटक नरोरा की बात करें ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है तारापुर आपका महाराष्ट्र में है और जो कुंडन कुलम है वो है आपका तमिलनाडु में ठीक है आपको कमेंट में बताना आपके लिए होमवर्क है ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है ककरापार ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लोकेट ऑब्जेक्ट सी समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है सोनार रडार लेजर या फिर मेजर uh, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ध्यान रखना रडार हम यूज करते हैं एयर में सोनार का यूज करते हैं पानी के अंदर ठीक है सोनार का यूज करते हैं पानी के अंदर तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ध्यान रखना साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ठीक है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म होता है इसका ये भी पता होना चाहिए आपको अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड अ पर्सन डू टू रिड्यूस हिज स्पीड ऑन अ फ्रीली रोटेटिंग प्लेटफॉर्म किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए शेक योर हैंड्स टुगेदर रेज योर हैंड्स रेज योर हैंड्स आउट अप रेज योर हैंड तो यहाँ पर अगर हम बात करें अगर वो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर लेगा तो उसका ये जो वेलोसिटी है ठीक है स्पीड है वो अंगला वेलोसिटी वो घट जाएगा तो उसके लिए उसको अपने हैंड्स को रेज करना चाहिए अपने हाथ ऊपर उठा ले वो ठीक है अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जब भी आपको सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन दिखें यानी कि दो सिमिलर टाइप ऑप्शन दिखें आंसर ज़्यादातर आपका उन्हीं में से ही होगा अगला क्वेश्चन है थर्टीन नंबर निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग को मापने के लिए किया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड अ मीटर एनिमोमीटर अल्टीमीटर या फिर ऑडियोमीटर तो ये है आपका वो इंस्ट्रूमेंट जिससे कि वेलोसिटी ऑफ विंड मेजर की जाती है तो अभी आपको दिख रहा है ये पत्ती से लगी हुई है और ये घूमती है और उसी हिसाब से यह मीटर आपको बताता है कितना वेग है अब बताइए इसको क्या बोलते हैं लिखा है यहाँ पे लिखा है देखिए है ना ये आपका एनिमोमीटर ऑप्शन नंबर बी तकरीबन दस बारह हज़ार का आता है लेके आप रख सकते हैं और दिन भर अपनी स्पीड माप सकते हैं कि कितनी आप में आपके यहाँ से विंड की वेलासिटी है तो एनिमोमीटर से आप स्पीड ऑफ विंड मापते हो या फिर वेलोसिटी ऑफ विंड ध्यान रखना अगर विंड का मुझे डायरेक्शन मापना होगा कि किस दिशा में विंड चल रही है तो उसके लिए एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं विंड वेन अमीटर कहाँ यूज होगा ये आप बताएंगे ऑल्टी मीटर की बात करें हाइट ठीक है ऑडियोमीटर सिंपल आपका साउंड ऑडियो आप जानते ही हो अमीटर को कैसे रिकॉल करेंगे अमीटर अमीटर uh, आपकी एम्पियर से कुछ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ एम्पियर से कुछ याद करो ठीक है और बाकी हम देख लेते हैं सेनमोमीटर ने देख लिया सीस्मोग्राफ आपको पता होना चाहिए क्या रिकॉर्ड करता है जो सीस्मोग्राफ होता है यह आपकी अर्थ को एक वेव्स को जो भूकंप तरंगे होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है ठीक है भूकंप तरंगे लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर किसको मेजर करता है तो ध्यान रखना प्योरिटी ऑफ मिल्क यानी कि दूध की शुद्धता को मेजर करता है आपका लैक्टोमीटर एक यहाँ पे लिख लीजिए पिछली बार आपके पोस्ट कार्ड और एफ ओस एग्जाम दोनों में आया था और वो था हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी को मापते हैं ध्यान रखना इस चीज़ को ठीक है हाइग्रो है हाइड्रो नहीं जब हाइड्रो लिख देगा तो हाइड्रो जहाँ भी दिख जाए उसका मतलब होता है पानी तो अगर हमें वाटर वो डेंसिटी चेक करना है तो हम हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं हाइग्रोमीटर हम ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता को मापने के लिए यूज़ करते हैं अगला क्वेश्चन एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई तो ये एक नॉर्मल आई है उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है क्लियरली देखने के लिए ये होती है आपकी पच्चीस सेंटीमीटर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि भाई अगर पच्चीस सेंटीमीटर कोई दूर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है अगर आपको वो क्लियरली दिख रहा है तब तो, तो मतलब आपकी आइज परफेक्ट हैं लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मतलब आपकी आइज में डिफेक्ट है अगर उसको हम दूर ले जाएंगे 25 सेंटीमीटर से अगर तब आपको नहीं दिख रहा है दैट मीन्स आपको मायोपिया है दूरदृष्टि दोष है दूरदृष्टि दोष जिसको बोलते हैं यानी कि फार साइटेडनेस इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया ठीक है myopia, इसमें आपको दूर का नहीं दिखता और पास का दिखता है इसको सही करने के लिए हम कॉन्केव लेंस यानी कि अवतल लेंस का उपयोग करते हैं इन सारी चीज़ों को नोट करते रहिएगा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है और इसी का उल्टा होता है अगर मैं पास लाऊंगा अगर तब नहीं दिख रहा है तुम्हें दूर में दिख रहा है तो इसका मतलब है तुम्हें हाइपर मेट्रोपिया है जिसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं या फिर आ, उसको जैसे फार साइटेडनेस तो इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया ठीक है और इसको सही करने के लिए जाहिर सी बात है उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का हम उपयोग करेंगे और अगर मान लो पास और दूर दोनों के में ही प्रॉब्लम है तो उसका मतलब है आपको है प्रेस बायोपिया और ये ज्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं उनको होती है अगला क्वेश्चन देखते हैं सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि रेड लाइट इज यूज फॉर सिग्नल बिकॉज इट हैज़ लॉन्ग वेव लेंथ इट हैज़ हाई इंटेंसिटी द मीडियम हैज़ द फॉलोइंग स्कैटरिंग फिर बोथ ए एंड सी तो सही आंसर इसका होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इट हैज़ वेव लेंथ इट हैज़ हाई वेव लेंथ और यहाँ पे माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है ये भी तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा ये एक्चुअल में इंग्लिश में सही नहीं लिखा ध्यान रखना

और वायलेट का सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होता है सबसे कम तरंग धैर्य सबसे कम वेवलेंथ होता है ठीक अगला है धातु की चाय दानियों में लकड़ी की हैंडल क्यों लगाए जाते हैं वाई डू मेटल टी पॉट्स हैंडल्स वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट इट डज नॉट कॉज इलेक्ट्रिक शॉक इट द कैरेक्टर लुक्स ब्यूटिफुल या फिर इट हैज़ क्लिनलीनेस तो ये सब फर्जी के ऑप्शन हैं इलेक्ट्रिक शॉक का यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो नहीं रही है तो इलेक्ट्रिक शॉक का कुछ यहाँ पे लेना देना होगा तो ये भी नहीं होगा आंसर यहाँ पे होगा बिकॉज इस वजह से बनाए जाते हैं ताकि ऐसा नहीं कि आपने छुआ और आप एकदम चमक गए चमक गए से मतलब है कि अगर वो जो टी पॉड का जो हैंडल है अगर वो वुडन नहीं होगा तो अगर वो मेटल का होगा तो मेटल से क्या होता है हीट पास हो जाएगी वो भी एकदम उतना ही गर्म हो जाएगा जब उतना गर्म हो जाएगा तो फिर आप जैसे ही पकड़ेंगे तो चमक जाएंगे आप अगला क्वेश्चन है सेवनटीन नंबर आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है उन लैंपों में निर्णय से किस गैस का प्रयोग किया जाता है नाउ वट येलो लैम्प आर ऑफन यूज इन लाइटिंग ऑन दी रोड्स विचो द फॉलोइंग गैस इज यूज इन दीज लैंप्स सोडियम न्यून हाइड्रोजन नाइट्रोजन आप में से काफ़ी लोग ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देंगे तुरंत सोचेंगे सोडियम तो गैस है ही नहीं जबकि आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सोडियम है बिकॉज यहाँ पे सोडियम के जो वेपर्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है सोडियम के वेपर्स का यूज़ किया जाता है तभी वो येलो दिखते हैं सोडियम एक्चुअल में अगर आप देखोगे पीला कलर का दिखता है और ये इतना सॉफ्ट होता है जो भी एक भी चीज़ में अगर बता रहा रूँ तो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट हैं कि इनको चाकू से भी कट किया जा सकता है और इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है नहीं तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है थोड़ा सा ठंडा पानी भी डालोगे ना इनमें कोल्ड वाटर तो भी रिएक्ट कर जाते हैं और एयर से रिएक्ट कर जाते हैं इस वजह से इनको कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम दोनों को नाइट्रोजन की बात करें जो टायर्स होते हैं चाहे एरोप्लेन के टायर हो फिर किसी के उसमें भरा जाता है और जो आपके चिप्स पैकेट होते हैं उसमें भरा जाता है बिकॉज अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो पता चला वहाँ ऑक्सीजन है तो सड़ जाएंगी चीज़ें उसमें तो चिप्स के पैकेट में ये भी होते हैं आपका नाइट्रोजन अगर हम बात करें कि आपका सन में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है सूर्य में सबसे ज़्यादा गैस होती है हाइड्रोजन और कुछ आपके जो आ, लाइटिंग बल्ब्स होते हैं उनमें आपका नियॉन होता है जो आपके देखा होगा ना कि डॉक्टर साहब या फिर किसी के घर के बाहर नेम प्लेट लगी होती है तो उसमें आपका नियॉन यूज़ किया किया जाता है और अगर बात करें बल्ब में जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है आर्गन को इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसमें और इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलाेंट होता है वो किसका बना होता है ध्यान रखना वो आपका टंजेस्टन का बना होता है ये सारी चीज़ें आपको अपने नोट्स में ऐड करनी है फिलामेंट ऑफ बल्ब ये मत सोचना कि सर जी लिखेंगे फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ लिख देंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि कम चीज़ क्योंकि मेरे पास जैसे ना टाइम का थोड़ा शॉर्टेज रहता है तो इसी वैसे मैं चाह कोश ये करता हूँ किसी जितना कम टाइम मैं आपके साथ दे रहा हूँ उतना ही ज़्यादा मैं आपके साथ कंटेंट डिलीवरी कर दूँ आप वही ना आप क्लास एट नाइन के बच्चे नहीं हैं अगर आप अगर आपको लग रहा है आप नहीं कोप अप कर पा रहे हैं तो अपनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे रियालिटी यही है अगला क्वेश्चन है एटीनथ नंबर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता था इमेज फॉन्ड बाई दी प्लेन मिररर इज वर्चुअल रियल बोथ या नन ऑफ दिस अब दोनों तो हो नहीं सकता है कि भाई ही बन गई रियल भी बन गई अब वर्चुअल और रियल कब बनती है जब आपका मिरर के पीछे कोई इमेज बनती है तो वो वर्चुअल होती है जब सामने ही बन जाती है तो रियल होती है ये आप खड़े हो ठीक है तो पीछे बनती इमेज की प्लेन मिरर की आगे बनती है पीछे बनती है तो इसी वजह से पहली बात तो ये आंसर वर्चुअल हुआ अब इसे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये बन सकते हैं कि कितनी दूरी पर बनती है तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही दूरी पे इमेज ही बनती मान लेते हैं ये 10 मीटर की दूरी है तो 10 मीटर पीछे मिरर से आपकी इमेज बनती है और इमेज का जो साइज होता है सेम होता है जितना आपका साइज होता है क्या आपने देखा कि आप बड़े या फिर छोटे से दिख रहे हो अगर एकदम प्लेन मिरर है तो ठीक है एकदम प्योर प्लेन मिरर है तो ठीक और ध्यान रखना प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है फोकल लेंथ फोकल दूरी वो आपका इंफिनिटी होता है इस चीज को ध्यान रखिएगा आपकी ये वर्चुअल इमेज बनाता है और सेम साइज की बनाता है उतनी दूरी पे बनाता है जितनी दूर में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अगला क्वेश्चन है नाइनटीन एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है व्हाट इज द एम्पियर सेकंड यूनिट ऑफ तो एम्पियर सेकंड अगर आपको ये फॉर्मला पता होगा क्यू इज इक्वल टू आई क्यों मतलब चार्ज यानी आवेश आई मतलब करंट और टी मतलब कि आपका करंट हो गया और टीम आपका टाइम हो गया तो क्यों की अब यानी कि जो आपका चार्ज होता है इसके यूनिट होता है कुलॉम और ये मैंने आपसे पिछले लेक्चर में पूछा था आप में से सभी लोगों ने सही आंसर दिया था कुलॉम अगर बात करें आई यानी कि करंट एम्पियर और इसको मापते हैं एमीटर ठीक है मैंने आपसे पूछा था अभी थोड़ी देर पहले और टाइम हो गया आपका सेकेंड तो एम्पियर इंटू सेकेंड किसकी यूनिट हो गई चार्ज की तो यूनिट हो गई अमाउंट ऑफ चार्ज तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा आवेश की मात्रा ठीक आपको कमेंट में यह बताना है कि फेराडे किसकी यूनिट होती है फेराडे किसकी यूनिट होती है अगला सवाल है आखिरी सवाल है टाइम पीरियड ऑफ अ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट भूस्थिर उपग्रह के समय आवृत्त समय पी, समय काल कितना होता है टाइम पीरियड कितना होता है ये क्वेश्चन पिछली बार तुम्हारे पहले ही दिन और पहली ही शिफ्ट में पूछा गया था आई थिंक 18 मार्च था वो पहला दिन और पहली शिफ्ट पूछा गया था जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है भूस्थिर उपग्रह का तो ध्यान रखना 24 घंटे होता है हमारी अर्थ जो है रोटेट यानी कि घूर्णन कितने समय में करती है तो आप बोलोगे 24 घंटे बिल्कुल वो अप्रोस 24 घंटे लेकिन एग्जैक्ट अगर मैं बात कर लूँ तुमसे तो क्या कोई एग्जैक्ट पूछ ले तो ध्यान रखना तेईस घंटे और छप्पन मिनट और चार सेकेंड होता है एग्जैक्ट लेकिन हम अप्रॉस चौबीस ही मानते हैं तो हमारा अप्रॉक्स टाइम भी जियो सैटेलाइट सेटेलाइट चौबीस घंटे लगाती है अब नाम ही देखो जियो स्टेशनरी भू स्थिर अब स्टेशनरी है घूम भी रही है और अब बोल हम स्टेशनरी रहे मतलब स्टेशनरी का मतलब क्या होता है जो चीज़ रुकी हुई हो जैसे हमारी अर्थ घूम रही है क्या तुम्हें पता चलता है कि हमें पता चलता है कि हम घूम रहे हैं नहीं पता चलता है क्यों क्योंकि हम भी उसी स्पीड से घूम रहे हैं इसलिए इसीलिए ये हमें स्टेशनरी अपीयर होती है स्थिर अपीयर होती है जबकि ये घूम रही है क्यों क्योंकि ये उसी स्पीड से घूम रही जिस स्पीड से हम घूम रहे उतना ही टाइम लेती है घूर्णन में जितना हम लेते हैं पूरे एक रोटेशन में वो है तेईस घंटे छप्पन मिनट हम पूरा टाइम रेवोल्यूशन में कितना लेते हैं परिक्रमण में हम मतलब हमारी अर्थ जैसे सूरज है और हमारी अर्थ ऐसे परिक्रमण करती है तो रेवोल्यूशन में ध्यान रखना हम कितना टाइम लेते हैं तकरीबन तीन सौ तीन सौ पैंसठ दिन और छः घंटे तकरीबन लेते हैं जो छः घंटा हर साल एक्स्ट्रा मिलता है ना तो चार साल में चौबीस घंटा हो जाता है यानी एक दिन एक्स्ट्रा और यहीं से लीप ईयर निकल क्या चला आता है चार साल बाद है ना ये पता होना चाहिए आपके लिए क्वेश्चन ये है आपको ये बताना है कि हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे यानी अपने एक्सिस पे कितनी झुकी हुई है अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई अपनी एक्सिस पे हमारी पृथ्वी ये आपको कमेंट में बताना है और आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है अब जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसके आंसर दीजिए कमेंट में और मैं कमेंट यहाँ पे पिन करने वाला हूँ और बस आप इसमें रेगुलर रहिए चाहे वो कोस्ट गार्ड का एग्जाम हो चाहे बी का एग्जाम हो चाहे सी एस का एग्जाम हो किसी लेवल का एग्जाम हो सारा कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा बस आप नोट्स बनाते रहिएगा जो भी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ और बाकी ए के रिगार्डिंग आपका जल्द ही अनाउंसमेंट बहुत बड़ा अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा और कोस्ट गार्ड की आपकी पी आ चुके परमार अकेडमी एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके एनरोल नहीं किया है तो मतलब ये है कि आप सिलेक्शन से कदम दूर हैं ये मैं नहीं यह आप किसी भी प्रीवियस ईयर जो एस्पिरेंट रहा हो जो सीरियस एस्पिरेंट रहा हो जिसने कोस्ट गार्ड का एग्जाम क्लियर किया उसे आप पूछ सकते हैं ठीक है सभी ने पी टी लगाई होगी उनमें से मिलते हैं अगले लेक्चर में धन्यवाद और ध्यान रखिएगा ये आपको जो पी डी एफ है इसका ये परमार अकेडमी ऐप पर ही मिलेगा